हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको डिज़ाइनर सलवार की कटिंग और सिलाई बताएंगे जिसके लिए हमने ये तीन मीटर कपड़ा लिया है ये मेरा सेंटून का कपड़ा है आप चमक से ही बता सकती हैं कि ये सेंटून का कपड़ा है इसी में से हम आपको डिजाइनर सलवार बताएंगे तो सबसे पहले हम अपने पार्ट की कटिंग करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जैसे नॉर्मली हम पार्ट लेते हैं साढ़े छः से आठ इंच लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा लेना पड़ेगा इसमें मुझे साढ़े नौ इंच लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा बीच में डिज़ाइन आएगा

इसमें से दो पार्ट निकल जाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम अलग कर देंगे तो यहाँ बीच में से इस कपड़े को हम यहाँ से कट कर देंगे और फिर इसको बीच में से एक बार और कट करेंगे क्योंकि इसके हमें दो पार्ट बनाने हैं जैसे अब ये चार फोल्ड में है तो यहाँ से भी कट करके इसके दो पार्ट बना लेंगे और फिर उसके बाद जो ये सलवार है इसे हम दो स्ट्रिप कलर से बनाएंगे यानी कि इसमें हम दो कपड़ों का यूज़ करेंगे और अब इसके लिए पहले हम बेल्ट कटिंग कर लेते हैं और फिर उसके बाद स्ट्रिप कटिंग कर करेंगे तो देखिए जो जैसे हमारी बेल्ट की जो लेंथ होगी वो हमारी साढ़े आठ तक तैयार होगी साढ़े सात साढ़े आठ तक लेकिन उसमें हम दो इंच ज़्यादा लेंगे तो हम यहाँ से ले रहे हैं नौ इंच कपड़ा अब नौ इंच तक और जो इसकी चौड़ाई होगी वो हम लेंगे इसकी बाईस इंच तो उसमें हम थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा वो हम सिलाई करते टाइम जोड़ लेंगे अब यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे देखिए यहाँ से भी नाइन इंच पे लगाया और फिर इस निशान को हम इस निशान से मिला के एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ये लाइन आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए क्योंकि अगर ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तो आपको फिर दिक्कत आएगी नेफा बनाने में अब देखिए मैंने वाइट और ब्लू कपड़ा लिया है तो यानी कि एक तो ब्लू ही रहेगा अब इसमें से हम स्ट्रिप कट कर लेते हैं तो उसके लिए हम ढाई इंच पे निशान लगाएंगे हमने कपड़े को लंबाई में रखा और आप ढाई से लेकर कर तीन इंच तक निशान लगा सकती हैं तो मैं ढाई इंच की स्ट्रिप ले रही हूँ और ये फोल्ड होने के बाद ये हमारे डेढ़ इंच की रह जाएगी डेढ़ या दो इंच की अब देखिए ऐसे हम बिल्कुल सीधे सीधे निशान लगा के इसको हम यहाँ से सीधा ही कटिंग कर लेंगे एकदम सीधा होना चाहिए ये अब इसको हम ऐसे ही इन सभी डॉटों को आपस में मिला के और इसकी कटिंग कर देंगे ऐसी मुझे बहुत सारी स्ट्रिप चाहिए यानी कि जैसे मुझे दो सलवार दो पार्ट में डिजाइन देना है तो करीबन दस पंद्रह स्ट्रिप चाहिए मुझे ऐसी और इसकी जो लेंथ है वो हमारी चालीस इंच की ही है यानी कि पहले हम स्ट्रिप निकाल लेंगे फिर उसके बाद जितना भी हमारा कपड़ा बचेगा उसमें से हम अपनी सलवार की कटिंग करेंगे यानी कि अभी हमारी कलियाँ कटिंग नहीं हुई हैं तो पहले हम इस स्ट्रिप निकाल रहे हैं क्योंकि कलियाँ थोड़ी बहुत छोटी भी चल जाएंगी लेकिन पहले स्ट्रिप निकाल लीजिए आप तो इसी का दर इसी को रख के में अब दोबारा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको इसी स्ट्रिप को रख के हम बिल्कुल बराबर बराबर इसको कट कर लेंगे तो अब यहाँ से हम देखिए इसको सीधा ही कटिंग करके और जितनी भी स्ट्रिप है उनको निकाल देंगे तो अब हमने सारी स्ट्रिप निकाल दी हैं अब अब हमारे पास इतना सारा कपड़ा बचा है जिसको हमने टू लेयर में बिछा लिया है अब इसके लिए हम कलियों के लिए निशान लगाएंगे तो कली के लिए जो निशान लगाऊंगी आसन के लिए सबसे पहले तो आसन के लिए निशान लगाएंगे हम यहाँ पे नौ इंच पे अब एक इंच हम ऐसे इसे थोड़ा सा चौड़ाई में देखिए एक से लेके मैं इसे सॉरी तीन इंच ले रही हूँ क्योंकि यहाँ से जो हमारे पार्ट में डिज़ाइन होगा ना वो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना है तो यहाँ से भी नाइन इंच पे और उसके बाद फिर से मैं ऐसे तीन से लेके कर दो इंच तक आप लगा सकती हैं अब इन निशानों को हम इससे मिलाएंगे इस तरीके से क्योंकि हमारा पार्ट में सिलाई में कपड़ा जाएगा तो मोहरी छोटी ना हो इसलिए हमने यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा दिया है अब देखिए यहाँ से हम जो तो पार्ट की लेंथ जैसे हमारी उसकी है पैंतीस इंच लेकिन इसकी हमारी बैठ रही है बत्तीस इंच तो अगर आपकी बत्तीस इकतीस तीस जितनी भी हो वो भी चलेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा ऊँची कली भी चलती हैं और पार्ट थोड़ा सा नीचा हो और कली थोड़ी सी बड़ी हो अब इसको जैसे देखिए ड्राफ्टिंग आपको दिख रही है वीडियो में उसी को रख के हम सेम तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद आपको हम इसकी सिलाई बताएंगे बिल्कुल ऐसे ही अब इस जैसे हमारा एक तो आसन जॉइंट है और एक हमारी कली जॉइंट है अब इनको हम दो पार्ट कर लेंगे जैसे कि हमारे दो पार्ट होते हैं और चार हमारी कली होती हैं तो चार कलियों को हम ऐसे अलग कर लेंगे एक आपको कली वाली साइड जॉइंट मिलेगी और एक आपको आसन तो हमारी चार कलियाँ हो गई हैं तो टोटल जो हमारी सलवार की कटिंग है वो हो ही चुकी है अब उसके बाद जो हमारा पार्ट वाला कपड़ा है हम उसको उठाएंगे और उसमें हम निशान लगाएंगे सेंटर में तो देखिए पहले आप कपड़े को अच्छे से बराबर कीजिए सेंटर से अब हम यहाँ से लगाएंगे पहले देखिए सेंटर में कट लगाइए क्योंकि कट से फिर आपको ये पता रहेगा कि ये हमारा सेंटर है ऐसा ही कट दूसरी साइड लगाइए तो ये दोनों साइड हमारा कट हो गया है अब अब हम इन सेंटर के हिसाब से ही एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो देखिए हम इन स्टेप से यहाँ से लगाएंगे दो इंच पे निशान दो दो इंच पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जब इसे हम खोलेंगे तो ये हमारा चार इंच होगा क्योंकि हमने कपड़े को टू फोल्ड किया हुआ है जो हम फोल्ड करके निशान लगाते हैं तो ये हमारा देखिए अब हम इसे से खोल के दूसरी साइड भी इसी निशान को रख के हम इस साइड को कर लेंगे यानी कि आपको डबल डबल निशान लगाने की जरूरत नहीं है कपड़े को बराबर कीजिए और हाथ से हल्का सा थपथपा के उसको आप दूसरी साइड भी ला सकते हैं ये देखिए इस तरीके से तो आपका बिल्कुल एकदम बराबर निशान आएगा तो देखिए अब खुल के हमारा ये चार इंच हो गया जैसे कि हम आपको नाप के दिखाएंगे अभी दो इंच लगाया था तो दो इंच का डबल हुआ चार तो ऐसे ही हम दूसरा जो पार्ट है उस पर भी हम अब एक सेंटर में और निशान जो हमने कट लगाया था फर्स्ट में उसी सेंटर से हम इसको एक और लाइन तो देखिए चार इंच हो गया हमारा खुल के अब ये अब हमने कप इसको खोल दिया है दूसरे पैर पे भी ऐसे ही निशान लगा के अब देखिए ये हो गए मेरे दोनों पैर निशान लगा के मैंने इनको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है दोनों पार्ट को अब उसके बाद इसकी हम सिलाई करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम स्ट्रिप तैयार करेंगे जो हमने कट की थी तो देखिए इसको हम जैसे नाड़ा बनाते हैं उस तरीके से हमें इसे तैयार करना होगा और अगर आप ऐसे तैयार नहीं करना चाहती हैं तो जैसे हम डोरी बनाते हैं अपने ब्लाउज के लिए उस तरीके से भी रख के आप सीधा करके भी उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि उसमें पहले सीधा करो फिर प्रेस करो लेकिन ये हमारी एक बार में ही अच्छी बैठ जाती है लेकिन बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका कपड़ा है वो एकदम सीधा कटना चाहिए अगर कपड़ा थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा हो जाता है तो जो हम ये स्ट्रिप बनाते हैं इसे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है यानी कि बल वगैरह आते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते हैं तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप ये सलवार कम्प्लीट कर सकती हैं और प्लीज़ हमारी स्टेक के नाम से वेबसाइट है जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्सन में दिया हुआ है हमने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो हमारी कोई भी डिज़ाइन पसंद आती है मेरा एक अनुज कुमार के नाम से भी चैनल है तो उस पर आप कोई भी डिजाइन गाउन वगैरह सलवार यानी कि उसका आप हमें कमेंट करके बताइए और हमारी वेबसाइट द्वारा आप उसे खरीद सकती हैं तो देखिए अब हमने ये दोनों स्ट्रिप को बराबर बराबर बना लिया है तो हमने देखिए अब हम क्या करेंगे हमने इसलिए पार्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था क्योंकि हमें ये कपड़ा एक या डेढ़ इंच हमारा ऐसे चला जाएगा अब देखिए हमने स्ट्रिप को ऐसे रखना है इसके नीचे और कपड़े को दबा देना है आप देख रहे हैं कि हम कपड़े को थोड़ा सा उठा रहे हैं और इस तरीके से स्ट्रिप को दबा रहे हैं जो हमने लाइन इसीलिए हमने लाइन खींची थी ताकि हमें इस चीज़ का पता रहे कि हमारा जो कपड़ा है वो बराबर दब रहा है तो देखिए इस तरीके से आपको ये स्ट्रिप रखनी है और ये कंप्लीट करनी है अब देखिए यहाँ से कपड़ा आपका एकदम बराबर ही दबना चाहिए कहीं से भी छोटा या बड़ा ना हो क्योंकि इसमें हम कली की चौड़ाई हमने इसलिए ज़्यादा ली थी क्योंकि अगर हम कली की चौड़ाई ज़्यादा ना लेते तो हमारा जो पार्ट है वो छोटा रह जाता और ये हमारी जो मोहरी है वो बहुत छोटी हो जाती तो इसलिए हमने कले की एक्स्ट्रा ले ली क्योंकि उसकी चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी अब इसको हम देखिए नीचे तक यहाँ तक इसे पूरा ही कंप्लीट करेंगे तो देखिए हमने एक साइड से इसको लगा लिया है आप देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपनी ये डोरी लेंगे ब्लू वाली डोरी लेंगे और इस डोरी को हम इस तरीके से इसके सी सीधे सीधे सिलाई कर लेंगे देखिए हमने ये हमने चौड़ाई की साइड से फोल्ड की सिली है और इसे हम लंबाई की साइड से सिल रहे हैं क्योंकि इसे जैसे हम डिज़ाइन बनाते हैं उस तरीके से हमें डिजाइन बनाना होगा तो देखिए अब हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है अब हम आपको बताएंगे कि हमें डिजाइन कैसे देखिए एक पट्टी को दबाना है एक को उठाना है एक पट्टी को दबाना है और एक को उठाना है आप देख रहे हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो ये पट्टी मेरे नीचे तक कंप्लीट हो जाएगी टोटल मैंने तीन से चार पट्टियाँ लगाई हैं यानी कि जितनी भी हमारी इसकी चौड़ाई है उस हिसाब से आपको पट्टियाँ लगा लेनी हैं और ये डिजाइन बनने के बाद में बहुत ही खूबसूरत लगता है इस डिजाइन को आप अपने ब्लाउज या कुर्ती में भी बना सकते हो बनाना एकदम आसान है जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है एक पट्टी को उठाना है और एक को दबाना है दबाते हुए ही आपको चलना है और जैसे हम आपको अभी एक पार्ट में डिजाइन बना के दिखा रहे हैं तो दूसरा जो पार्ट होगा उसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है यानी कि कुछ भी अलग नहीं करना सेम तरीका अब देखिए हमने जैसे एक कंप्लीट कर लिया हम दूसरी पट्टी को उठाएंगे अब की बार जैसे हमने ग्रीन ये जो हमारी क्रीम कलर की है उसको दबाया था लेकिन अब की बार इसको उठाना है और इसको ब्लू को दबाना है तो सेम आप देख सकती हैं इसको दबाया एक को उठाया तो जैसे हम खाट वगैरह बनाते हैं सेम वही है इसका प्रोसेस अब इनको पहले हम अच्छे से खींच के बराबर करेंगे कहीं से भी हमारी इसमें झोल नहीं आना चाहिए बीच में देखिए एक एक पट्टी को खींच के पहले बराबर कीजिए एक्स्ट्रा हो तो उनको कटिंग करके बराबर कीजिए फिर उसके बाद अपने कपड़े को फोल्ड कीजिए क्योंकि आप देख रहे हैं कोई पट्टी बड़ी है कोई छोटी है तो उनको पहले हम एक जैसा करेंगे यानी कि एक ही बराबर करेंगे फिर उसके बाद जो ये सीधी लाइन व्हाइट कलर की आपको दिख रही है देखिए हम इस तरीके से इनको कट करके बराबर कर लेंगे फिर हम उसी लाइन को इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे जैसे कि हमने उस साइड से किया था तो आपको दिख रहा होगा कि हमने कितने आसान तरीके से आपको ये डिज़ाइनर सलवार बनानी बताई है तो देखिए हमारी ये पूरी पट्टियाँ कट हो गई हैं क्योंकि क्या होता है ना बनने के बाद में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है अब देखिए अब इसको ऐसे उठाएंगे और उठाने के बाद इस पे हम ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे अब बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है ये देखिए बस उठा के बराबर बराबर आपको सीधी सिलाइयाँ लगा देनी है ये देखिए ये जो ऊपर से ब्लू कपड़ा आपको दिख रहा है ये नीचे बॉटम वाला कपड़ा है इसको भी हम सिलाई लगा के नीचे से कटिंग कर देंगे जितना भी एक्स्ट्रा निकल रहा है और फिर दूसरे पार्ट को तैयार कर लेंगे और फिर इसकी कलियाँ जोड़ लेंगे तो पहले आपको पार्ट तैयार करने हैं उसके बाद आपको इस साइड आप सिलाई वो लेस वगैरह भी लगा सकते हो यानी कि जैसे जहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ सिलाई लगाने के बाद लेस वगैरह लगा के भी इसको आप और भी अच्छा डेकोरेट कर सकती हो और देखिए पट्टियों को अच्छे से पकड़ के सिलें क्योंकि अगर कोई पट्टी निकल गई तो आपकी जो सलवार है वो पूरी उधर सकती है इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें ज़्यादा भी कट ना करें कि सिलाई में आपकी पट्टियाँ छोटी हो जाएँ तो देखिए हमने पूरा डिज़ाइन कम्प्लीट कर लिया है अब देखिए मेरे पास ये सेम ब्लू कलर की लेस मुझे मिल गई थी तो मैंने सोचा चलो इसको भी लगाए देते हैं क्योंकि इससे और भी अच्छा लुक आएगा तो इसको मैं देखिए जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हम इसको पूरा लगा देंगे गोटा पट्टी वाली लेस है तो ये बिल्कुल इसी में मिल रही है इसके किनारे गोल्डन इसमें वर्क है तो मैंने सोचा चलो लगाए देते हैं तो देखिए नीचे तक इसको हम लगा के एक्स्ट्रा को कट कर देंगे अब दूसरी साइड भी हमें सेम प्रोसेस करना है यानी कि दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही लगानी है ये थोड़ी चौड़ी है ये एक इंच चौड़ी है तो इस पर हमें डबल सिलाई लगानी होगी देखिए हमारी दोनों साइड को लग गई है ये लेस अब हम इसकी कलियाँ ज्वाइंट कर लेंगे तो देखिए एक इसको हम ऐसे रखेंगे कली को और दूसरे पार्ट को भी मैंने सेम तरीके से तैयार कर लिया है जैसे कि मैंने इसको बताया क्योंकि अगर मैं दोनों को ही बताती तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती तो जैसे हम इसमें बता रहे हैं वो आपको दूसरा तो खुद ही आइडिया आ जाता है कि इसको कैसे करना है जैसे कि हमने आपको फर्स्ट में भी बताया था कि हमारी चार कलियाँ होती हैं दो हमारे पार्ट होता होते हैं तो देखिए इसको हमने एक साइड से ज्वाइंट कर लिया है अब हम दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही जॉइंट करके तैयार कर लेंगे अब हम अपनी बेल्ट को तैयार करेंगे देखिए जैसे कि बेल्ट में हमने बताया था कपड़ा थोड़ा सा छोटा है तो उसको जोड़ लिया है अब हमने आसन भी ज्वाइंट कर लिया है इसका देखिए आसन को ज्वाइंट कर लिया है हमने ये हमारा आसन जॉइंट हो चुका है अब यहाँ से धागे को कटिंग करके बेल्ट को हमने तैयार कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ के अब उसके बाद इसका हम सेंटर निकालेंगे तो देखिए हमने सेंटर निकाला इसका बीस सेंटर में निशान लगाया अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो प्लेटें हैं वो कहाँ तक आएंगी तो हमारी जो टोटल प्लेटें हैं वो बारह इंच तक आएंगी तो बारह इंच तक निशान लगाने के बाद